सबसे पहले अगर आप बहुत लंबे टाइम से डाइट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका बॉडी मेटाबॉलिकली रेजिस्टेंट हो चुका है, जिसके वजह से आप और फैट और वेट लूज नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा सजेशन होगा कि डाइट से ब्रेक लो, 3-4 हफ्ते के लिए नॉर्मल मेंटेनेंस कैलोरीज खाओ और बॉडी को एक बार रीसेट करने का मौका दो, उसके बाद आप प्रोग्रेस दोबारा बना पाओगे। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आप वर्कआउट में मसल मास इंक्रीज करने का कोशिश नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ तो मैं पूरा ट्रेनिंग वेट लॉस के लिए ही करूँगा, तो फिर कार्डियो करते रहते हैं या तो इंड्योरेंस की ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कैलोरीज बर्न होने से आपका मसल लॉस भी होती है, और मसल लॉस होने की वजह से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म और भी गिर जाता है, जो ऑब्वियसली आपका प्रॉब्लम है। तो मसल बिल्डिंग वाला एक्सरसाइज करने से ऑब्वियसली डाइट के टाइम आप शायद मसल गेन कर नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम जो मसल है आप उसको होल्ड कर पाओगे। अभी क्योंकि आप ऑलरेडी फंस चुके हो तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप पहले 3 हफ्ते के लिए एक मेंटेनेंस डाइट फॉलो करो, जिसमें आप ये मसल बिल्डिंग टाइप के एक्सरसाइजेज और वर्कआउट्स पे फोकस करो। एक बार बॉडी का ये इक्विलिब्रियम वापस आ चुका है, उसके बाद आप धीरे से डाइटिंग करना स्टार्ट करो, सिर्फ 200 या 300 कैलोरी के डेफिसिट के साथ, और धीरे धीरे से डाइटिंग टूल्स को ऐड करो। ज़्यादा जल्दी मत ट्राई करो, और अगर ऐसे लग रहा है कि आप बर्नआउट हो रहे हो डाइटिंग पे, तो आप लंबे ब्रेक भी ले सकते हो डाइटिंग से, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा वर्सेस मतलब ज़बरदस्ती डाइट करना और वेट लूज करने की कोशिश करना।